हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं क्लास टेंथ की सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 3G का पार्ट नंबर चौथा आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके थे। आज आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब उनने पहले नंबर कह दिया 5 वर्ष पूर्व, तो हम सबसे पहले इनकी आयु मान लें। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की कितनी है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, कितनी है y वर्ष। अब भी कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आयु में संबंध निकालें। 5 वर्ष पूर्व आयु में संबंध, अब ध्यान से सुना, 5 वर्ष पूर्व आयु में संबंध कैसे निकाले। पूर्व कहा उनने, माइनस करेंगे, कितने साल माइनस करेंगे, 5 साल माइनस। काय में से करते हैं, वर्तमान आयु में से। तो नूरी अभी x वर्ष की है, तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, x माइनस 5 की। सोनू को भी लाओ 5 साल पहले, सोनू अभी 22 साल का है, 5 वर्ष पहले कितने का हुआ, 22 माइनस 5, ठीक है ना। अब इनमें संबंध बताएंगे अपन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु है जो नूरी की आयु है, सोनू की आयु की 3 गुनी, इसमें 3 का गुणाकार तो बीच में लगा बराबर का निशान, यानी नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी। समीकरण बनाओ यहाँ से, एक्स माइनस 5, 3 का गुणा करो, सो 3y माइनस 5 थी 15, 3y को इस साइड लाओ, 5 को इस साइड ले जाओ, एक्स माइनस 3y माइनस 15 प्लस के 5, एक्स माइनस 3y, 15 में से 5 गए माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। और आगे देखो, अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात कहा है जोड़ेंगे अब अपन लोग, और ये घटाना जोड़ना का सिस्टम हमने सबसे पहले बता दिया है पहले सवाल में, तो जिन लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट ना देखा हो तो सबसे पहले उसको देखें। तो 10 वर्ष बाद आयु में संबंध, 10 वर्ष बाद आयु में संबंध। अभी नूरी x साल की है, 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 10 की। सोनू अभी 22 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का होगा, 22 प्लस 10 का। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी इतनी सी बात हुई 10 वर्ष पश्चात, बस इतनी सी बात हुई यहाँ पर। अब नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी, 2 को गुणा कर दो इसमें, तो नूरी और सोनू की आयु बताओ, समीकरण दूसरा बनाओ इधर से, एक्स प्लस 10, 2 का अंदर गुणा करो, सो 2y, 2 का 10 में करो सो 20, 2y को इस साइड, 10 को इस साइड, एक्स माइनस 2y, 20 माइनस 10, तो एक्स माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। अब ध्यान से सुनो, एक्स एक्स के गुणांक आपके बराबर हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, अपन क्या करेंगे, अपन लोग घटाएंगे, घटाने पर
तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसको इसको काट दो। तीन बाई माइनस के हैं, दो बाई प्लस के, तीन बाई में से दो बाई का क्या बचा, माइनस का एक बाई। दस माइनस के, दस माइनस के, तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, आंसर माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर बीस। बाई का मान समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक है एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस, तीन गुणे बीस बराबर माइनस दस, बीस तीस साठ, माइनस दस, साठ को पक्षांतर करो तो एक्स बराबर माइनस साठ है, माइनस दस तो है ही, प्लस के साठ हो जाएंगे। साठ एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, घट जाएंगे, साठ में से दस गए पचास, x का मान कितना आ गया आपका पचास। फिलहाल जी अभी आंसर नहीं, x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। आपने नूरी की वर्तमान आयु मानी थी x वर्ष, तो नूरी की आयु x, x का मान कितना आया आपका पचास वर्ष। सोनू, सोनू क्या है बाई, बाई का मान कितना आया आपका 20, तो 20 वर्ष। नूरी है 50 साल की, सोनू है 20 वर्ष का, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, एक बार और समझ लें। वो कह रहा है पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तीन गुनी थी। सबसे पहले तो हमें वर्तमान की आयु पता होना चाहिए कि वर्तमान की आयु है क्या। तो हमने मान लिया, माना नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बाई वर्ष है। तो पाँच वर्ष पूर्व आयु में संबंध, तो पाँच वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व कहते हैं तो माइनस माइनस करते हैं, तो वर्तमान आयु में से पाँच माइनस कर दो, वर्तमान आयु में से पाँच माइनस, जे नूरी की आयु या सोनू, किसी एक की आयु में से नहीं करना, दोनों की आयु में से माइनस पाँच करने पर, यानी कि दोनों की आयु पाँच साल पहले, पाँच साल पहले ले जाने पड़ते हैं। तो नूरी की आयु है पाँच वर्ष पहले, सोनू की आयु की तीन गुनी, तीन का गुणा कर दो, बीच में बराबर करने से इसका अंदर गुणा करो, तीन ही माइनस पंद्रह हो जाएंगे, जे जो करते हो। चार चार पद एक साइड, अचार पद एक साइड कर लिए, समीकरण नंबर एक बन गया। फिर आगे कह रहे हैं दस वर्ष पश्चात, वो लिखा पश्चात का मतलब होता है बाद, बाद मतलब होता है जोड़ते हैं यानी प्लस करते हैं, तो पाँच दस वर्ष बाद, तो एक्स प्लस दस और वाई प्लस दस, दस साल बाद में नूरी की आयु, नूरी की आयु है सोनू की आयु की दोगुनी, नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी है, तो दो का गुणा कर दूँ, समीकरण नंबर दो बना लो इसका, त्रि गुणा करके अंदर समीकरण एक दो को सॉल्व किया, बाई का मान निकला, बाई का मान समीकरण एक में रहेगा, दोस्तों एक्स का मान निकला। आपको नूरी और सोनू की आयु बतानी है, तो नूरी की आयु है एक्स वर्ष यानी पचास वर्ष, सोनू की आयु है बाई यानी बाई यानी कि बीस वर्ष। इस तरीके से आपका सवाल पूरा लगता है। आज आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पाँच वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की चार गुनी थी। यानी पाँच वर्ष पूर्व बता रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की चार गुनी थी। तो आपको क्या करना है, पहले मान लो, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु एक्स वर्ष है और पुत्र की आयु है आपकी, पुत्र की आयु बाई वर्ष है, वर्तमान आयु है ये, वर्तमान लिखें, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बाई वर्ष मान लो। फिर वो कह रहे हैं पाँच वर्ष पूर्व, पूर्व कह रहे हैं तो आपको घटाने पड़े, तो पाँच वर्ष पूर्व आयु में संबंध, तो पिता की आयु पाँच वर्ष पूर्व ले जाओ और पुत्र की आयु। पाँच वर्ष पूर्व का अर्थ है कि जैसे मान लो यदि पिता अभी 50 साल के हैं तो पाँच वर्ष पूर्व कितने के होंगे, 45 वर्ष के, इसलिए वर्तमान आयु में से घटाने पड़ते हैं जब पहले बोले तो। तो अभी हाल पिता आपके एक्स वर्ष के थे, पाँच वर्ष पूर्व की आयु एक्स माइनस पाँच। इसी तरीके से पुत्र अभी बाई वर्ष का है, तो पाँच वर्ष पूर्व बाई माइनस पाँच।
तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी। इसमें 4 का गुणा कर दूं, पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी, वो भी कब की आयु में, 5 वर्ष पूर्व की आयु में। तो x माइनस 5 बराबर 4 का गुणा कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा 4y, 4 का गुणा 5 में कर दो, 4 5 20, 5 का इधर और 4y को इसे पक्षांतर कर दें, तो x माइनस 4y बराबर माइनस के 20 तो हैं ही आपके, 5 इस साइड आएंगे सो प्लस के 5, x माइनस 4y और 20 में से 5 गए माइनस के 15, समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या कह रहे हैं, और 15 वर्ष बाद बस यही आपको याद रखना है, बाद और पहले की कहानी, यह पूर्व कहें या पहले कहें तो आपको माइनस करना पड़ता है और बाद कहें तो जोड़ने पड़ते हैं। तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद आयु में संबंध, तो 15 वर्ष पिता अभी x साल के हैं, 15 वर्ष बाद x प्लस 15, पुत्र 22 वर्ष के हैं तो 22 प्लस 15, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 2 से गुणा कर दो ऐसा, तो x प्लस 15, 2 का गुणा इधर कर दो से 2y, 2 का गुणा 15 में करो से 30, 2y को इस साइड ले आओ, 15 को इस साइड ले जाओ, तो x माइनस 2y बराबर 30 माइनस 15, x माइनस 2y बराबर 15, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण आपका 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस 15, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 15। अगर हम देखें x x के मान आपके 1 से हैं और इनके चिन्ह भी 1 से हैं, a प्लस का है a भी प्लस का है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, x से x कट जाएगा, 4y माइनस के हैं 2y प्लस के, तो 4y में से 2y गए क्या बचे, माइनस के 2y, 15 माइनस के 15 माइनस के, सो माइनस माइनस 30 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 30 काटो सो 15 बार, y का मान कितना आ गया आपका 15, y का मान 15 आ गया, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर माइनस 15, x माइनस 4 गुणे 15, 15 चौको 60, 60 को कर दो पक्षांतर, x बराबर माइनस 60 है तो प्लस 60 माइनस 15, तो 60 में से 15 का कितने बचे, 45, x का मान कितना आ गया आपका 45, x y के मान निकल आए तो वो पूछ रहे थे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु आपने x मानी थी, तो x का मान पिता की आयु क्या निकली, x, x का मान कितना निकला आपका 45 वर्ष, तो 45 वर्ष आपका आंसर रहेगा। पुत्र कितने साल के हैं, पुत्र की आयु, पुत्र हैं भाई, तो भाई का मान कितना निकला 15, तो 15 वर्ष। इस तरीके से आपका सवाल लगना था। तो दोस्तों यदि आपने आयु और संबंध वाले सवाल यदि अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16, तो आप पहले पार्ट नंबर 3 देखिए और पार्ट नंबर 2 देखिए, उसमें हमने और डिटेल से बातें बताई हैं जिससे कि आपको अच्छी समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इधर पर हम मानेंगे हल, यानी कि माना बड़ा कोण है x अंश
और छोटा कोण का मान लेंगे अपन लोग, छोटा कोण है बाई अंश, क्या है बाई अंश। अब आपको पता होना चाहिए दो संपूरक कोणों का योग दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण का योग 180 अंश, यानी बड़ा कोण x छोटा कोण y, x प्लस y बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में, अब इसमें कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण यानी कि x बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, बड़ा कोण का मान है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, तो जी तो बाई प्लस 18। अब एक बाई को इस साइड लेता है तो x माइनस बाई बराबर 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लो, x y के मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x प्लस बाई बराबर 180 अंश, x माइनस बाई बराबर 18, एक्स एक्स 2x, बाई से बाई कट गया, इनको जोड़ दे 0, 8 सोलह की 6 चल गई 1, 2 और 1 3, 2 से काट दो 180 बार, x का मान कितना आ गया 180 अंश, x का मान जी गलत हो गया आपको, 8 के 8, 8 और 1 9, 1, 198 होंगे यहाँ पर जोड़ने पर, 2 से काटेंगे 2 9 18, 1 बचा 2 9 18, x का मान कितना आ गया 99। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y बराबर 180, x का मान है 99 प्लस y बराबर 180, 99 को पक्षांतर कर दो, y बराबर 180 माइनस 99, तो y बराबर 10 में से 9 गया 1, इधर बची अपने पास कितनी 17, 17 में से 9 गए कितनी बची आपके 8, यानी कि 81, y का मान आ गया आपका 81। तो आपने बड़ा कोण क्या माना था, बड़ा कोण है आपका x, तो x का मान आया आपका कितना 99 अंश, कितना है 99, और छोटा कोण क्या माना आपने बाई का मान कितना है 81, ये आपका आंसर है, बड़ा कोण 99 छोटा कोण 81। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, ये सवाल आपका मोस्ट सवाल है, जी एक बार आ चुका है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड ने क्या कहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x मान लो छोटा कोण y मान लो। आपको एक बात ये पता होना चाहिए, इसको आप फॉर्मूला समझ लें या कोई नोट में बात लिख देंगे कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों को जोड़ दो बराबर में 180, बड़ा कोण x छोटा कोण y बराबर में 180, x प्लस y बराबर 180। अब इधर पर हम कहें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वो कह रहा है बड़ा कोण मतलब x का मान है छोटे कोण से 18 अधिक, तो y प्लस 18, y को पक्षांतर करो, x माइनस y बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया हमने, x का मान निकाला, x का मान निकाल करके x का मान समीकरण 1 में रखा तो आपका बाई का मान आ गया, बड़ा कोण एक्स माना और छोटा कोण बाई, तो एक्स वाई के आपके मान आ चुके हैं। बताऊँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इधर पर हम मानेंगे हल, यानी कि माना बड़ा कोण है x अंश और छोटा कोण का मान लेंगे अपन लोग, छोटा कोण है y अंश, क्या है
बाई अंश। अब आपको पता होना चाहिए दो संपूरक कोणों का योग, कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। जा चीज आपको पता होना चाहिए, यानी कहने का अर्थ है बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण का योग 180 अंश, यानी बड़ा कोण x छोटा कोण y, x प्लस y बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में, अब इसमें कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण, बड़ा कोण यानी कि x, बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, बड़ा कोण का मान है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, तो जी तो y प्लस 18। अब x y को इस साइड लेता है तो x माइनस y बराबर 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लो, x y के मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 180 अंश, x माइनस y बराबर 18, x x 2x, y से y कट गया, इनको जोड़ दे 0, 8 8 16 की 6 चल गई 1, 2 और 1 3, 2 से काट दो 180 बार, x का मान कितना आ गया 180 अंश, x का मान जो गलत हो गया आपको 8 के 8 8 और 1 9 1 198 होंगे यहाँ पर जोड़ने पर, दो से काटेंगे 2 नम 18, 1 बचा 2 नम 18, x का मान कितना आ गया 99। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y बराबर 180, x का मान है 99 प्लस y बराबर 180, 99 को पक्षांतर कर दो, y बराबर 180 माइनस 99, तो y बराबर 10 में से 9 गया 1, इधर बची अपने पास कितनी 17, 17 में से 9 गए कितनी बची आपके 8, यानी कि 81, y का मान आ गया आपका 81। तो आपने बड़ा कोण क्या माना था, बड़ा कोण है आपका x, तो x का मान आया आपका कितना 99 अंश, कितना है 99, और छोटा कोण क्या माना आपने y, y का मान कितना है 81, ये आपका आंसर है, बड़ा कोण 99 छोटा कोण 81। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, ये सवाल आपका मोस्ट सवाल है, ये एक बार आ चुका है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड ने क्या कहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x मान लो, छोटा कोण y मान लो। आपको एक बात ये पता होना चाहिए, इसको आप फॉर्मूला समझ लें या कोई नोट में बात लिख देंगे कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों को जोड़ दो, सो बराबर में 180, बड़ा कोण x छोटा कोण y बराबर में 180, x प्लस y बराबर 180। अब इधर पर हम कहें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वो कह रहा है बड़ा कोण, बड़ा कोण मतलब x का मान है छोटे कोण से 18 अधिक, तो y प्लस 18, y को पक्षांतर करो, x माइनस y बराबर 18, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया हमने, x का मान निकाला, x का मान निकाल करके x का मान समीकरण 1 में रखा, तो आपका y का मान आ गया, बड़ा कोण x माना और छोटा कोण y, तो x y के आपके मान आ चुके हैं। बताऊँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे।